मैं प्रहलाद वाजिया विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास के सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में हमने कल पढ़ा था बात पेट्रोलियम पदार्थ और पेट्रोलियम जो खनिज है उसका भंडार और वितरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा खनिज एवं भंडारण। परमाणु ऊर्जा खनिज एवं भंडारण ये टॉपिक है अपना। अब सबसे पहले अपन ने पढ़ा, उससे पहले कोयले का पढ़ा था परसों, कल हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम वगैरह, अब जो ऊर्जा आ रही है वो है परमाणु ऊर्जा, जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत ही है कि परंपरागत ही प्राचीन परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत है, जैसे हमने पढ़े कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा और परमाणु ऊर्जा खनिज और उसके भंडार, इनके बारे में अब अपन देखते हैं। तो परमाणु ऊर्जा खनिज है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देते हैं। तो परिभाषा कि परमाणु खनिज का उपयोग करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परमाणु जो खनिज है उनका उपयोग करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और परमाणु खनिज ये होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन और प्लूटोनियम। यानी इनका उपयोग करके जब परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम थोरियम उदाहरण, जब परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम थोरियम बेरिलियम जिरकन या दो का नाम मेन, पहले यूरेनियम होता है मिश्र से, फिर दूसरा थोरियम, ये मेन ये यूरेनियम तो आ रहे थे इनमें से, तो यूरेनियम थोरियम बेरिलियम जिरकन इनका यूज करके जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा का दूसरा नाम होता है आणविक ऊर्जा। कि परमाणु ऊर्जा कह दो आणविक ऊर्जा कह दो, एक ही बात है कि परमाणु ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है या नाभिकीय ऊर्जा, कि नाभिकीय जो ऊर्जा है उसे भी यही कहते हैं। कि आजकल जिस प्रकार से जिसका उपयोग बहुत ज्यादा होने लगे हैं, इसका जो उपयोग होता है इस ऊर्जा का, कि जिस प्रकार से हम कि उद्योगों में अगर जो भी इसका यूज करते हैं कि कोई प्लांट के लिए या जो जिस प्रकार से हम करते हैं, तो ये होते हैं परमाणु। तो परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम थोरियम वगैरह, पहला यूरेनियम बहुत इंपोर्टेंट है हमारे देश में, क्या है कि थोरियम तो प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, यानी जो थोरियम है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में, खूब मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यूरेनियम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इस कारण से उसको विदेशों से आयात करना पड़ता है। जैसे कभी भारत फ्रांस से समझौता करता है, कभी अमेरिका से, कभी दूसरे देशों से इस प्रकार से यूरेनियम, ताकि वो परमाणु आणविक या नाभिक ऊर्जा प्राप्त कर सके, उनका यूज इनमें से कर सके। तो जब परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम थोरियम का उपयोग करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा जिसे आणविक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, कि हम इनको ये भी कहते हैं। और अगला प्रश्न ये बात है कि कोई दो परमाणु खनिज के नाम बताओ, तो दो बताए, तो पहला यूरेनियम दूसरा थोरियम, कई बार है कोई चार परमाणु ऊर्जा खनिज के नाम बताओ, परमाणु खनिज है क्या परमाणु ऊर्जा खनिज, यही बात है परमाणु ऊर्जा खनिज के, तो यार तो यूरेनियम थोरियम बेरिलियम जिरकन ये चार ये बता सकते हैं। तो थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में है, यूरेनियम है उसका आयात करते हैं विदेशों से, ये बताते हैं, तो ये इनमें से है। अब इनकी भी कई किस्म है, जैसे यूरेनियम है उसकी किस्म है यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 338। ये इनकी किस्म है 233-35, थोरियम की कोई किस्म नहीं है, बेरिलियम की नहीं है, जिरकन की नहीं, फिर प्लूटोनियम की है 239 की बेरिलियम। हमेशा जब भी सबसे पहले तो हमें
हमें इनके नाम याद करने, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिंकन और प्लूटोनियम। तो इनके नाम याद करने, इनके नाम याद करने के बाद में जो हम किस्म बताएंगे, जैसे यूरेनियम लिखते हैं तो यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और फिर 38 लेंगे तो 38 हो जाएगा, तीन आ रहे तो तीन पहले आएगा 338 हो जाएगी, ये तीन किस्म है यूरेनियम। ऐसे ही इनकी ये प्लूटोनियम की किस्म है और वो है प्लूटोनियम 239। तो यहां तक हमने पढ़ा कि इस प्रकार से और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका गठन जो किया गया था कि परमाणु ऊर्जा को संचालित करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन सन 1948 में किया गया था भारत में। अब इससे पहले तो अपन ने पढ़ा कि परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं, परमाणु खनिज कौन से, कि परमाणु ऊर्जा परमाणु खनिज है, यह अपन इससे पहले दे दिए थे। अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा है उसको संचालित करने के लिए जिस प्रकार से एक आयोग का गठन किया गया जिसे कहा गया परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के भारत में जो स्थापना इसका गठन किया गया था सन 1948 की, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन स्थापना भारत में की गई थी। अब भारत के पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा परमाणु ऊर्जा के बारे में, अब भारत के बारे में पढ़ रहे हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कैसे कैसे है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोग का गठन किया गया सन 1948। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था, 1948। अब इसके अपन भंडार देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा के भंडार कि यूरेनियम के जो भंडार है,
यूरेनियम के भंडार है। बिहार में जो स्थान है वो है सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है कि बिहार में सिंहभूमि से, बिहार में सिंहभूमि से। तो राजस्थान में अपरक्त उत्पादक क्षेत्र में, अपरक्त उत्पादक क्षेत्र से। और केरल में समुद्र तटीय क्षेत्र है उसमें इन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है मोनोजाइट, मोनोजाइट जो है। तो बिहार में अब ये स्थान दे रखे, और में राज्य रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, स्थान नहीं है। तो यूरेनियम भी जो स्थान दे रखे जैसे श्री कृष्ण वैसे राज्य रहेंगे राजस्थान, बिहार में, बिहार सिंहभूमि जिले से। राजस्थान में जो अपरक्त उत्पादक क्षेत्र है उन अपरक्त उत्पादक क्षेत्र में जो चट्टान है उन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है पेगम राइट। पेगम राइट इससे कि राजस्थान में अपरक्त उत्पादक क्षेत्र में पेगम राइट जो चट्टान है उससे प्राप्त किया पेगम राइट से। और केरल में जिस प्रकार से समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उसमें मोनोजाइट रेत की चट्टानों से प्राप्त है कि मोनोजाइट जो चट्टान है केरल में जो चट्टान है वो मोनोजाइट समुद्र तटीय क्षेत्र में, राजस्थान के अपरक्त उत्पादक क्षेत्र में पेगम राइट है और बिहार में सिंहभूमि ये स्थान है। अब यहाँ पर कभी प्रश्न पहला परमाणु ऊर्जा, दूसरा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि भारत में परमाणु जो ऊर्जा केंद्र के नाम बताओ वो क्या, तो चार भी बता देंगे लेकिन किस्म भी लिख देंगे। पहला टॉपिक सर, दूसरा टॉपिक भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया। तीसरा भारत में इसके भंडार कहां है, सबसे पहले जब भी हम भारत में तो सबसे पहले स्टेट फ्री स्थान तो ये है। कई बार पूछ लिया यूरेनियम के भंडार कहां पर है, तो यूरेनियम किसम और उसके भंडार, तो यूरेनियम थोरियम और बेरिलियम के भंडार है। थोरियम प्रचुर मात्रा में, यूरेनियम बहुत कम मात्रा में आयात करते हैं। थोरियम बिहार और केरल में है, यूरेनियम बिहार राजस्थान और केरल में, बेरिलियम राजस्थान बिहार और आंध्र प्रदेश। कभी भंडार पूछे तो भारत में इसके भंडार होंगे। तो इनमें से जिस प्रकार से अपने पढ़ चुके तो या तो उनके परमाणु खनिज के नाम पूछेगा या आयोग का गठन या इसके भंडार। तीसरा टॉपिक अपना ये था। तो इनमें से अब मैं सभी स्टूडेंट से जो सलाह दे रहा हूं कि आप जब भी अध्ययन करें तो अपने जो पार्ट है जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो चाहे वो टेंथ क्लास के स्टूडेंट हो चाहे सीनियर, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन दे रहा हूं उन सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स। कोई भी स्टूडेंट इसका अध्ययन कर सकते हैं और आराम से, और जब भी हो आपको नोट्स उपलब्ध करा रखे तीसरा चैप्टर, और जो कौन से चैप्टर काटेंगे जैसे तीसरा चैप्टर है खनिज वाला, चौथा उद्योग, ये दो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे ज्योग्राफी में, और इसके अलावा जिस प्रकार से कृषि का चैप्टर है वो भी नहीं कटेगा। तो जल संसाधन या जो और है या बात में जनसंख्या वाले टॉपिक वो चैप्टर कर सकते हैं, जो चैप्टर आपको वही पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल आपके लिए जिस प्रकार से परीक्षा के लिए अवेलेबल होंगे उपलब्ध होंगे वही चैप्टर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस तरह से आप उनके बारे में पढ़ते रहे, जो भी है जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है नोट्स उपलब्ध रहे, ड्राफ्ट कॉपी पहन लीजिए और जैसे ऑनलाइन क्लास है उनको ध्यान में रखते हुए उनका अध्ययन करें। और इसमें कोई नहीं कि कैसे क्वेश्चन है आराम से, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। परमाणु ऊर्जा जो खनिज है उसके भंडार है, तो ये है खनिज, ये भंडार, ये आयोग, ये घटन, ये इनमें से और जो उनमें से। और बिल्कुल थैंक यू।